हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ टाटा एल्ट्रॉस के या फिर मोस्ट ऑफ द टाटा की गाड़ियों में जो आपके ना स्टेयरिंग पे जितने भी बटन आते हैं उनका क्या यूज़ है, क्या क्या मतलब स्पेसिफिक यूज़ है सबका अलग अलग, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। अब देखिए, दोनों साइड पर हमें कुछ कुछ बटन आते हैं क्योंकि ये टॉप मॉडल है। तो पहले बात करते हैं लेफ्ट से। तो लेफ्ट से जो आपके ये वाले बटन्स हैं इनसे आप जो आपका म्यूज़िक सिस्टम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी आपका FM चल रहा है, तो FM पे अगर आप इसको इधर करते हैं तो आपका जो रेडियो स्टेशन है वो आप इसमें शफल कर सकते हैं। और बढ़िया बात यह है कि ये यहाँ पर भी डिस्प्ले होता रहता है आपकी जो ये आपका क्या कहते हैं इसको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले MID। देन सेम वे इधर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड होगा तो आप इसको ट्रैक आप आगे पीछे कर सकते हैं। देन ये तो बहुत सिंपल है, आपका वॉल्यूम का स्विच है प्लस माइनस। देन दिस वन ये जो सेंटर में है ये बताता है कि मतलब इससे आप जो आपका जो भी सोर्स ऑफ आपका म्यूज़िक प्ले हो रहा होगा, जैसे अभी FM चल रहा है, देन अगर हम इसको प्रेस करें तो हम इसको AM पे स्विच कर सकते हैं, देन वापस FM पे स्विच कर सकते हैं। देन ब्लूटूथ कनेक्टेड होगा तो ब्लूटूथ आ जाएगा, USB कनेक्टेड होगी तो USB आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो दो चीज़ें हैं इसमें, वन इज़ कॉल आंसर एंड इस पर है कॉल डिक्लाइन वाला या फिर कॉल डिसकनेक्ट। और यहाँ पर है एक म्यूट का स्विच, म्यूट एंड अनम्यूट। यहाँ अगर आप म्यूट करेंगे तो यहाँ पर भी दिखा देगा आपको, अगर आप ऊपर देखिए एंड यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले होगी चीज़। देन ऊपर जो हमारे पास है ये है वॉइस कमांड का स्विच। वॉइस कमांड से आप कुछ कुछ फंक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि सनरूफ हो सकते हैं, प्लीज ओपन द सनरूफ। ये आपकी सनरूफ ओपन हो गई। उसी तरीके से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, प्लीज क्लोज द सनरूफ। क्लोजिंग सनरूफ। क्या हम इससे कोई शीशा खोल सकते हैं? प्लीज ओपन ड्राइवर साइड विंडो। मैं बैलेंस को बाएं, दाएं और बीच में सेट कर सकती हूँ। ओके, आपको नहीं, कहां सेट नहीं करना है? ये नहीं करना था आपको मैडम। ड्राइवर साइड की विंडो खोल दीजिए। मैं बैलेंस को बाएं, दाएं ये और नहीं कर सकती मैडम। जैसे हम किसी को कॉल मिलाना हो वो हम फंक्शन इसमें कर सकते हैं, और कोई भी FM स्टेशन लगाना हो, जैसे अगर मैं बोलूं कि प्लीज पुट रेड FM। ओके, प्लेइंग FM रेड FM। बाबा प्लीज प्ले रेडियो सिटी 91.1। ओके, ट्यूनिंग। ओके, यप, FM ने वॉइस कमांड से हम इसमें चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सॉरी, आई गॉट अ कॉल, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। देन हम आते हैं इस तरफ हमारे पास ये दो स्विचेस हैं हमारे क्रूज कंट्रोल के। इससे आप क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं और इससे आप क्रूज कंट्रोल को डिसंगेज कर सकते हैं, इंगेज डिसंगेज। देन इससे आप जो आपका क्रूज कंट्रोल है उसकी स्पीड को प्लस या माइनस कर सकते हैं, और इससे प्लस कर सकते हैं, इससे माइनस कर सकते हैं। एंड जो ये आपका एक छोटा सा आपको यहाँ पे स्विच दिख रहा है रीस्टार्ट का, ये आपका तब काम आता है जैसे मान लीजिए आप क्रूज कंट्रोल चला रहे हैं एंड आपने ब्रेक दबाया एंड आपकी गाड़ी वापस से क्रूज कंट्रोल से ख़त्म हो गई है, और आपको वापस से चाहिए कि उतनी ही स्पीड पे वापस से मेरी गाड़ी आ जाए क्रूज कंट्रोल पे, तो आपको बस ये स्विच प्रेस करना है एंड इससे आप क्रूज कंट्रोल को फॉर द टाइम बींग बंद कर सकते हैं नीचे वाले स्विच से। देन ये जो ये वाले स्विचेज हैं इनसे आप जो आपका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है उसको आप कंट्रोल करेंगे, जैसे कि ऐसे लेफ्ट अगर आप देखिए, राइट ये मेरा इधर से कंट्रोल हो रहा है राइट, एंड जो बीच में स्विच है विच इज़ फॉर ओके स्विच। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पहुँचे कि प्रेस ओके टू एंटर सेटिंग्स, तो अगर हम ओके प्रेस करेंगे तो हम सेटिंग पे पहुँच जाएंगे। एंड इसमें अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो आपके ये वाले स्विचेस काम नहीं आएंगे, आपके ये वाले स्विचेस काम आएंगे। लेट मी शो यू, ये देखिए आपके जो ये वाला, जैसे इससे आप नीचे आएंगे एंड इससे आप ऊपर आएंगे। ये छोटी सी एक चीज़ है
विच आई फाउंड यू नो नॉट वेरी कन्वीनियंट, थोड़ा सा अलग है, अटपटा सा है, बट ठीक है चलेगा, इट्स ओके. देन आई डोंट थिंक सो कि कुछ और स्विचेज हैं रिमेनिंग स्टेयरिंग व्हील पे. ये आपका हेडलैम्प का स्विच है, ये आपका यू नो वाइपर का जो आपका लिवर है वो है. एक चीज मैं भूल गया, विच इज द मेन थिंग ऑफ दिस स्टेयरिंग व्हील, दिस हॉर्न. तो